नमस्कार, स्वसरी की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रहनी। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र में आज 288 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे, हालांकि 30 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। इस चुनाव में जहां सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन सत्ता बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी को सत्ता में शानदार वापसी की उम्मीद है। बता दें कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रमुखता से बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे लगाए। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि महायुति इन नारों के जरिए धार्मिक आधार पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। एमवीए में शामिल कांग्रेस 101 पर, शिवसेना यूबीटी 95 पर और एनसीपी शरद पवार 86 सीट पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी और AIMIM सहित छोटी पार्टियां भी चुनाव लड़ रही हैं। बसपा ने 237 और AIMIM ने 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2019 की तुलना में इस बार उम्मीदवारों की संख्या में 28% की वृद्धि हुई है। इस साल 4,186 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 2019 में 3,239 उम्मीदवार मैदान में थे। इन उम्मीदवारों में 2,086 निर्दलीय हैं, 150 से ज़्यादा सीट पर बागी उम्मीदवार मैदान में, जिनमें महायुति और एमवीए के उम्मीदवार अपनी पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली NCR में 2 दिन बाद प्रदूषण से राहत मिली है। पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज का AQI कुछ हद तक कम नज़र आया है, हालांकि अभी भी AQI जो है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। राजधानी दिल्ली समेत यूपी और हरियाणा के कुछ इलाकों में इन दिनों लोग प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। पिछले 7 दिनों से प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार और बुधवार को तो AQI लेवल दिल्ली NCR में 500 पार था। गुरुवार को हालांकि AQI लेवल में हल्का सा सुधार आया है। जहां सोमवार को AQI 494 और मंगलवार को 500 था, वहीं आज AQI 421 दर्ज किया गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में प्रदूषण से राहत मिल सके, लेकिन प्रदूषण अभी भी उतना कम नहीं हुआ है कि लोग राहत की सांस ले सके। दिल्ली सरकार इसके लिए आर्टिफिशियल रेन करवाने की योजना बना रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र से संपर्क भी किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव का आज दूसरे और अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। कुल 38 सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं, जहाँ 528 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और विपक्ष के नेता अमर कुमार बाउरी भी शामिल हैं। राज्य में सत्ताधारी JMM नीत गठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज जिले के बरहेट से झामुमो के उम्मीदवार हैं। वे यहां से तीसरे बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला आजसू छोड़कर भाजपा में शामिल हुए गमालियल हेमब्रेम से है। 2019 के विधानसभा चुनाव में गमालियल को आजसू के टिकट पर केवल 2,573 वोट मिले थे। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में बीजेपी ने सीट पर साइमन माल्टो को उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 48,000 से अधिक वोट मिले थे। इस बार बीजेपी ने साइमन माल्टो को टिकट काट दिया, जिससे नाराज होकर वे झामुमो में शामिल हो गए और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। दूसरे चरण के लिए राज्य में कुल 1.23 करोड़ मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही, जिनमें 60.79 लाख महिलाएं मतदाता शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक 14,218 मतदान केंद्रों पर होगा। 31 मतदान केंद्रों पर वोटिंग शाम 4 बजे ही समाप्त हो जाएगी। नवंबर का महीना आते ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड पड़ने लगी है। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में ठिठुरन वाली ठंड पड़ रही है और कोहरा भी छाने लगा है। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट और घने कोहरे की संभावना जताई है। आज राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके अलावा दिन भर घने कोहरे और ठंडी हवाओं के साथ प्रदूषण की गंभीर स्थिति में बने रहने की आशंका है। हालांकि अनुमान जताया जा रहा है कि बुधवार को खतरनाक वायु प्रदूषण से राहत मिल सकती है। तेज हवा चलने की वजह से AQI में कमी देखी गई है। वहीं आगामी 1 से 2 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे गिरने का अनुमान भी है। भारत के उत्तरी इलाके, खासकर यूपी और बिहार में सुबह और शाम के समय ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है। इस वजह से लोगों को मोटे कपड़ों और गर्म कंबलों का इस्तेमाल अब ज़रूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आज उत्तर प्रदेश में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं दिल्ली NCR और अन्य उत्तरी इलाकों में भी कोहरे का असर जारी रहेगा।
रशिया और यूक्रेन के बीच एक बार फिर टेंशन गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यूक्रेन ने रशिया पर ATACMS मिसाइल से हमला किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को अब 1000 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक युद्ध रुकने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क सीमा क्षेत्र में एक सैन्य ठिकाने पर अमेरिका से मिली लंबी दूरी की ATACMS मिसाइलों से हमला किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार सुबह 3:25 पर स्थानीय समय अनुसार यूक्रेन ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यह हमला बाइडेन प्रशासन द्वारा यूक्रेन को हमले की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद हुआ है। बता दें कि यूक्रेन लंबे समय से अमेरिका से इन मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति मांग रहा था और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना कार्यकाल खत्म होने से ठीक 2 महीने पहले यूक्रेन को इस फैसले को मंजूरी दे दी है और जेलेंस्की की सेना ने रूस पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। यूक्रेन के हमले के जवाब में अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों को एक स्पष्ट संदेश में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के बीच अपने परमाणु सिद्धांत में संशोधन को मंजूरी दे दी है। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स।